हेलो एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। मैं हूं प्रतीक्षा और मैं हूं सोशल बिहेवियरल डिसऑर्डर की काउंसलर। यहां हम आज बात करेंगे कि कैसे 10 से 13 साल के बच्चों के साथ हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और उनके साथ रिलेशन अच्छा रखते हुए एक अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हैं। तो चलिए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि हम 10 से 13 साल की उम्र में हम खुद जैसे थे, हमारे बच्चे अब वैसे नहीं रहेंगे। जनरेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये जी जनरेशन जो है कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है। हमें उनके साथ उनके हिसाब से चलना है। 10 से 13 साल के बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, लेकिन वो ना बड़े होते हैं ना छोटे, इसलिए वो आपसे फ्रेंडली बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। आपके साथ अभी उनकी फ्रेंडशिप हो सकती है, आफ्टर 13 फ्रेंडशिप होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये टाइम है बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड बनाने का। तो उसे किस तरह से बनाया जाए, उसके लिए सबसे पहला पॉइंटर ये होता है कि आप अपनी बातें उनके ऊपर थोपिए मत। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये टाइम जो होता है बच्चों को सब कुछ सिखाने का होता है। आप उन्हें डांस क्लास में भेज रहे हैं, कुकिंग सिखा रहे हैं, उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, और ये टाइम सही भी है क्योंकि अभी उन्हें पता चलेगा कि उनकी इंक्लिनेशन किस तरफ है। लेकिन वो जब आप सिखा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बॉसीनेस अगर होगा, इसे करना ही होगा, ऐसा करना पड़ेगा आपको, अगर ये आप इम्पोज करने लगेंगे तो जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसे डेवलप करके रहने के लिए उन्हें उनके पेस में देना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें हर चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना आपका काम है, बहुत स्वीटली, पोलाइटली और विथ पेशेंस। अब सबको पता तो है कि इस एज के बच्चों को काम करना चाहिए, लेकिन क्या काम आप उन्हें अलॉट करें, ये कभी कभी समझ में नहीं आता कि इस एज के बच्चे कितना काम कर सकते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़ें होंगी कि उन्हें लेबल्स रीड करने की हैबिट कराइए। ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है जब आप बच्चों को ये सिखाएंगे कि मेडिसिन्स के नाम आप पढ़ें, उनके पीछे क्या लिखा है, एक्सपायरी डेट है, वो सब नोट करें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप छोटेपन से अगर सिखाएंगे तो बड़े होकर ये बच्चे कभी भूलते नहीं हैं। तो ये परफेक्ट टाइम है। उसके बाद आप उन्हें कुकिंग के बेसिक चीज़ें सिखा सकते हैं। ऑमलेट बना सकते हैं बच्चे, टोस्ट बना सकते हैं, गैस ऑन ऑफ करना, ये सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत सब्जी जो है, नॉर्मल चीज़ें, वो सब सिखाना। और ऑफ कोर्स मैं ये कहना चाहूँगी, मेल फीमेल के लिए अलग नहीं है, ये जनरली एक बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, तो दोनों को ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं, जैसे हम ब्रश करना सिखाते हैं, खाना बनाना भी सिखाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एनीवेज़ सभी को पता होगा। तीसरी चीज़ है, हम उन्हें बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो जैसे कपड़े धोने का काम वो कर सकते हैं। वीकेंड्स पे एक कलर्ड और वाइट कपड़े अलग करना, वॉशिंग मशीन कितने देर के लिए चलाना, किसके लिए कौन सा मोड यूज़ करना, बच्चे काफ़ी हाईटेक हो गए हैं, ये सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उन्हें धीरे धीरे सिखाइए। 13 की एज तक आपको ये टारगेट करना है कि बच्चे को अपनी बेसिक सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। प्यार के डेफिनेशन को लेकर थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं हम, स्पेशली पेरेंटिंग को लेकर। यूजुअली पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना प्यार है कि नहीं, यानी कि उन्हें अपने सारे काम करने देना। ऐसा तो नहीं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, ऑफकोर्स आप बुरी माँ तब होंगी जब आपका बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है और वो अपना काम खुद करना नहीं जानता, आपने उसे हैंडीकैप बना के रखा है, ये आपकी गलती है बच्चे की नहीं। किसी को भी काम करना पसंद नहीं, हमें आपको किसी को पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है कि ऐसे बटन दबाते ही काम हो, लेकिन बच्चा इंडिपेंडेंट हो, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल रह सके, अपने काम खुद कर सके, ये सिखाना आपका काम है। तो बच्चे के सारे काम खुद करना बंद कर दीजिए। ये एज तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके टाइम टेबल सेट करें, उनके जूते बांधें, शर्ट के बटन लगाएं, शर्ट आयरन करके दें, टिफ़िन पैक करके दें, ये उनका काम है क्योंकि वो सफिशेंटली बड़े हो गए हैं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं वो अपने स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म को अलग रखेंगे, अपना कबर्ड खुद साफ करेंगे, अपने बेड खुद अरेंज करेंगे, ये उनका काम है, ये आपको सिखाना पड़ेगा। अगर आप वो कर रही हैं तो आप कहीं ना कहीं उस बच्चे की इंडिपेंडेंस को मार रही हैं, वो बच्चा हमेशा आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, आगे जाके उसे ही प्रॉब्लम होगा। अच्छी पेरेंटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने बच्चे को हैंडीकैप बनाएं, उन्हें अपना काम खुद करने दें।
देखा जाए ये तो ये वो एज है जब बच्चे थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कितना इंडिपेंडेंस देना इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए अकेले घर में रहने की हैबिट बनाने दीजिए, लेकिन उसके साथ आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे कि फ़ोन अवेलेबल हो, हमेशा फ़ोन उनके पास हो, कभी भी कॉल करे तो 1 या 2 रिंग में बच्चा फ़ोन उठा ले, आंसर करे फ़ोन को, पेरेंटल लॉक रखें कंप्यूटर्स पे और टीवी पे, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो गैस आपके बगैर बिना असिस्टेंस के ऑन ना करे तो सिलेंडर बंद करके जाए। ये सारे छोटे छोटे प्रिकॉशन रखिए, लेकिन बच्चे को अकेले छोड़ने की हैबिट करिए। दूसरी बात, बच्चे को नाइट आउट के लिए जाने दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर पार्टी करने दीजिए, और ऐसे पेरेंट्स के पास भेजिए, ऐसे फ्रेंड्स के पास भेजिए जिनके पेरेंट्स से आपकी वैसी ट्यूनिंग हो, वैसे आपको रिलायबल लगे वो पेरेंट, वहाँ पे आप भेजिए। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा जाने दीजिए, थोड़ा सा लेट गो करिए, ताकि वो बाहर की दुनिया सीखे और एक अच्छे और बेहतरीन इंसान बन सके। अब बात आता है कि बच्चों के साथ, इस एज के बच्चों के साथ स्पेशली फ्रेंडशिप कैसे करें, क्योंकि 13 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं उनसे फ्रेंडशिप करना फिर भी इजी होता है। ये बच्चे ना चाइल्डिश होते हैं ना उतने मेच्योर होते हैं, लेकिन इनके साथ आप इनके छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि इनके कुछ सिली फनी वीडियोज़ दिखाते हैं जिनमें आपको हंसी नहीं आ रही है, लेकिन आप हंसी है क्योंकि आपका बच्चा हंस रहा है, इससे आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने उस एज के छोटे छोटे जो फनी चीज़ें हैं, मिस्टेक्स हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बातें हुई हैं वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरी बात, आप यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ गेम्स डेवलप कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेटिव भी हो, ना भी हो तो चलेगा। आप साथ में लूडो खेल सकते हैं, आप साथ में चाहे तो स्क्रैबल खेल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रखिए जिससे आपका और उसका बॉन्डिंग हो। अब समझिए आपकी दोस्ती हो गई या आप पहले से दोस्त हैं, बच्चा आपके साथ बहुत कुछ शेयर कर रहा है, काफ़ी एम्बैरेसिंग चीज़ें भी शेयर कर रहा होगा, काफ़ी कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं इससे, लेकिन ये धारणा ना बनाएं कि बच्चा आज गलत कर रहा है तो ये बड़े होकर भी बहुत ख़राब इंसान बनेगा। ये एक टाइम होता है जब बच्चा ये नहीं जज कर पाता कि सही और गलत क्या है, बहुत ही क्रूशल पीरियड होता है, तो शायद कुछ गलती करे, लेकिन जब वो गलती करे तब आप उसे ग्रिल ना करें, उसे डांटे फटकारे नहीं, समझाएं कॉन्सिक्वेंसेस को। समझ लीजिए किसी का वो लेकर आ गया एक पेंसिल जो उसे बहुत अच्छा लगा हो, तो आप ये नहीं कि अरे तुमने चोरी कर दी, ये चीज़ बिल्कुल ना करें। उसे ये समझाएं कि ये जो उसने किया वो अच्छा नहीं है और उसे खुद को बुरा लगेगा, वो जो गिल्ट ट्रिप है वो देना ज़रूरी है, लेकिन बिना उसे टॉर्चर किए, ताकि वो बच्चा ईमानदारी से जाकर उसे ये रिटर्न कर सके। ऐसा बच्चे करते हैं इस एज में, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और डरावनी चीज़ नहीं है, इसके लिए आप तैयार रहें और इसे हैंडल जब करें तो काफ़ी समझदारी से करें। बच्चे काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर भी करेंगे क्योंकि वो आपसे फ्रेंडशिप हो गई है, तो उस चीज़ को आप एक्सप्लॉयट ना करें, उस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप रहने दें, बच्चों को जज ना करें। स्पेशली ये एज तो बिल्कुल नहीं है जज करने के लिए, बच्चों में बदलाव बहुत जल्दी आएगा। 13 साल के बाद जो बच्चा तैयार होगा वो 10 से 13 के बीच के एज में बिल्कुल अलग होता है, ये इसके बनने की तैयारी होती है। जैसे एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि बटरफ्लाई कभी वैसा दिखता था, ये ठीक वैसा ही है। बच्चों में बहुत सारे ऐब आते हैं इस वक्त, लेकिन उसे हैंडल करना बहुत ही समझदारी से और बहुत ही पेशेंस के साथ, और उन्हें बिल्कुल गंदा फील मत कराइए, लेकिन गलत और सही में डिफरेंस ज़रूर बताइए। लेक्चर सुनना तो किसी को भी पसंद नहीं, किसी भी एज में, लेकिन फिर भी 5 से 10 साल के बच्चों को आप काफ़ी कुछ चीज़ें लेक्चर जैसे सुना के समझा सकते हैं। 10 साल के बाद कॉन्शियस रहिए, आप खुद भी अवेयर रहिए कि जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि आप भाषण दे रहे हैं, किसी को मज़ा नहीं आएगा, उस बच्चे को तो स्पेशली बिल्कुल नहीं आएगा। तो बच्चे को समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग हमेशा एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, स्पेशली 13 साल की एज तक तो आप स्टोरीज ज़रूर बताइए। लेकिन अब जो है फेरी टेल जैसी स्टोरीज ना होकर थोड़ी सी रियलिस्टिक स्टोरीज, थोड़े से मॉरल वाले स्टोरीज जो आप यूं ही चलते फिरते बताएं। बच्चों के साथ स्टोरी शेयर करने से एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, सीख देने का बहुत अच्छा तरीका होता है, बच्चे बहुत इजीली समझते हैं इस चीज़ को। दूसरी बात, खोद खोद के उसके फ्रेंड्स के बारे में या किसी टीचर के बारे में नहीं पूछिएगा। हो सकता है आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स जो हैं उनके बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं और आप इंक्विजिटिव हैं कि क्या चल रहा है। अपने इस कीड़े को अपने पास रखिए, बच्चों पे मत थोपिए। एक तो उनमें गलत शिक्षा जाएगी,
दूसरी बात, हो सकता है वो नहीं बताना चाहते। जो चीज़ बच्चे नहीं बताना चाहते, उन्हें उनका टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। आप वैसे रहेंगे तो बच्चे ज़रूर बताएंगे, लेकिन जानकर क्रिटिसाइज़ कर कर दूसरों के बारे में बच्चों को उस चीज़ में इन्वॉल्व मत करिए। आप एक बहुत ही बुरा इंसान रेस कर रहे हैं अगर आप बाहर वालों की बुराई बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो कीप इट इन माइंड और ध्यान रखिए कि बच्चों के साथ जितनी पॉजिटिव बातें कर सके उतना बेहतर। ये सारी चीज़ें करना एक बार में अगर पॉसिबल ना हो तो एक एक करके पॉइंटर्स उठाइए, लेकिन इन पॉइंट्स को एक एक करके अगर आप करेंगे, फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको कहा, तो ये सक्सेस बिल्कुल गारंटीड है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। पेशेंस रखिए, कूल रहिए और बच्चों के साथ जितना हो सके गुस्से में बात ना करें। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस अगर चाहें तो मिल सके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं।